नारिस्त्यो पूजयन्ति रमन्ति तत्र देवता। मनु ने ठीक ही कहा था, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। नारियों के बिना धार्मिक या सामाजिक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। नारी सम्मान्य है, इसी को ध्यान में रखते हुए दी फिटनेस ऑरा क्लब के कुलदीप चिकने द्वारा मिसेस नवदुर्गा ऑरेंज सिटी 2023 फैशन टैलेंट एंड ब्यूटी पेजेंट सीजन 1 का आयोजन किया गया था। मिसेस नवदुर्गा ऑरेंज सिटी 2023 फैशन टैलेंट एंड ब्यूटी पेजेंट में सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट के रूप में जोया सिराज शेख, मुख्य अतिथि के रूप में बीटीपी एंड बीसीएन न्यूज के चेयरमैन सिराज शेख मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही मेंटोर के रूप में नेहा सिंह, श्री कुमार श्रीनिवास और मेघा कपूर और जूरी सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट जोया सिराज शेख ने इस शो की तारीफ करते हुए अनोखी पहल की सराहना की है। सबसे पहले मैं कुलदीप चिखाने को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ, उनकी पूरी टीम को। ये मिसेस नवदुर्गा ऑरेंज सिटी का जो एक शुरुआत किया है, ये काबिले तारीफ है, बिकॉज आज यहाँ पे नारी शक्ति के नौ रूप देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं अंदर, मुझे लगता है 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है जिसमें टैलेंट राउंड था, इंटरव्यू राउंड्स थे, और अभी देखने को मिलेगा अंदर कैसे कैसे किस किस टाइप से लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करके आए हैं। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर उम्र का कोई वैल्यू ही नहीं होती है, और उम्र की सीमा ख़त्म हो जाती है। बिकॉज जब हम नारी शक्ति की बात करते तो एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बहुत आधी उम्र की महिला तक को बोल सकते हैं, उनमें एक जो पावर होता है वो अपने आप में एक वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो देखते हैं, अभी मुझे तो अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो वहीं मुख्य अतिथि सिराज शेख इनके द्वारा शो की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है, ऐसा आह्वान किया है। तो इवेंट है, मेरे सोच के बाहर है, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा है कि इस एज की भी लेडीज में हिस्सा ले रही है। क्योंकि इवेंट हमने काफ़ी देखे लेकिन सब 40 प्लस लोग दिख रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें लोगों का टैलेंट बढ़ता है। और नवदुर्गा के नव रूप जो मेघा कपूर हमेशा ने बनाए, इसके लिए वो मेकअप आर्टिस्ट है और वो बनाने में बहुत मास्टर है इस मामले में। तो उनकी नवदुर्गा अभी मैं देखा नहीं हूँ, पर जरूर बैठ के देखूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम उनका कंटिन्यूशन में हर साल होते रहे। सब शादीशुदा, इनके बच्चों की शादी हो गई, ऐसे ही लोग यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जा रहे थे कि किसी की डेथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसका भी मैंने सजेशन वहाँ पे दिया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब कैसा है कि इंसान का टैलेंट इस उम्र में अगर बढ़ के आया तो और अच्छी बात है, और जितना इंसान अगर एक्टिव बना करेगा उतने जीने की और ख्वाहिश बढ़ती है। तो ये ऐसे होना चाहिए, 45 के ऊपर वालों का भी होना चाहिए। अब नवदुर्गा के नव रूप होते हैं, अब हम सभी के रूप चेक करेंगे कैसे है, उसी के ऊपर उन लोगों को प्राइज़ भी मिलने वाला है। लेकिन एक दुर्गा भी एक संदेश है इस इंडस्ट्री में, कि दुर्गा के रूप में अगर वो कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, और दुर्गा माँ का नाम तो एक अलग ही इस लेवल पे है, तो ये ऐसा होना चाहिए। नारी सुनने में तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर इसकी गहराई का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, ऐसे ही कई महिलाओं ने दी फिटनेस ऑरा क्लब की ओर से आयोजित मिसेस नवदुर्गा ऑरेंज सिटी 2023 फैशन टैलेंट एंड ब्यूटी पेजेंट का मंच पर अपने हुनर को प्रस्तुत किया है। ब्यूटी पेजेंट का नाम सुनते ही हर एक के जहन में ख्याल आता है कि ब्यूटी पेजेंट है तो एक उम्र तक ही महिलाएं इसमें शामिल होंगी, पर शो ने एक अनोखी पहल करते हुए 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ये मंच उपलब्ध करवा दिया था। जहां शो में 3 कैटेगरी रखी गई थी, जिसमें बाईपन भारी, ओल्ड कन्या आदि कैटेगरी के तहत सभी प्रतियोगियों ने अपनी कला को प्रस्तुत किया है। इस दौरान बातचीत की मेंटोर श्री कुमार श्रीनिवास और ऑर्गेनाइजर रुपेश चिकने इनसे, आइए डालते एक नजर। नवदुर्गा ऑरेंज सिटी 2023 खासकर मिसेस कैटेगरी के लिए इन्होंने यूनिक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है। ऑरा फिटनेस और एसोसिएट जोया मैम, जो कि मैम देख सकते हैं कि महिलाओं को फार मतलब बहुत कम समय मिलता है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, अपने प्रतिभाओं को, वो मंच इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इट्स वाकई भी मैं धन्यवाद दूंगा ऑरा फिटनेस की पूरी टीम को। हम देख सकते हैं कि इन्होंने 3 कैटेगरी की है, मतलब बाईपन भारी, ओल्ड कन्या और नवनारी, तीनों कैटेगरी को उन्होंने देखा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली फैशन शो में सभी को इकट्ठा ला लेते, इन्होंने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सभी को प्लेटफॉर्म दिया है, सबका बैनर पोस्टर और वेल ऑर्गेनाइज। हम जैसे कहते हैं, मैं तो काफ़ी फैशन शो देखता हूँ,
पर इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और खासकर आप देख सकते हैं कि 65-70 एज की महिलाएं जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और दे आर वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट देयर टैलेंट एंड ऑल देयर, सो इट्स वेरी यूनिक शो। कुछ एज के बाद मतलब वो अपनी जिम्मेदारी घर की, बच्चे बड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो रूटीन ज़िंदगी से उन्हें वो समय नहीं मिल पाता है, क्या फिर वो चला गया था ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हमारा चला गया, तो हम शायद हम कॉलेज में फैशन शो करते थे, शायद हम अपना डांस दिखाते थे, बट ये शो में ऐसा इन्होंने किया कि उनको भी चांस दिया जो ओल्ड कन्या जो कैटेगरी है, तो वो बड़ा यूनिक है। और इनको सबसे मेन बात है कि नौ दुर्गा अभी नवरात्र हुआ है और नौ देवियों का प्रेजेंटेशन है, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट और काफ़ी मेहनत लगती है ये सब चीज़ों करने को, बट इट्स रियली वेरी नाइस। अभी जो आपने देखा है वो अभी जो देखा है मैम वो तो बहुत ही मतलब अभी सिर्फ साड़ी राउंड हुआ है, अभी जो मेन राउंड है देवियों का वो तो अभी बाकी है ना, तो अभी जो देवियों का राउंड होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जो भी हमारी 20 कंटेस्टेंट है पार्टिसिपेंट है उनको हम देवी के रूप में अभी लाने वाले हैं कि देवी का गेटअप करेगा, जो भी हमारी नवदुर्गा होती है और साथ में जो भी हमारी बाकी और देवियाँ हैं जो हमारे 33 गॉड्स हम बोलते हैं 33 कोटीज गॉड्स जो बोलते हैं वो अभी यहाँ पर हम प्रेजेंट करने वाले देवी के स्वरूप में। अभी ये जो हमने मिसेस नवदुर्गा ऑरेंज सिटी फैशन ब्यूटी पेजेंट राउंड 23 सीजन 1 ये जो हमने स्टार्ट किया था, हमने लेकिन ऐसे ही हम लोग बैठे थे मैं और मेरे भैया कुलदीप सर, तो हमने सोचा कि यार महिलाओं के लिए कुछ तो करते हैं क्योंकि अभी नवरात्र आ रही थी तो कुछ करते हैं, तो हमने सोचा कि यार एक कंपटीशन कुछ ना लिखा जाए, तो कंपटीशन क्या होता है तो कंपटीशन हमने फैशन शो का एक ये किया, तो फैशन शो में हमने बोला नवदुर्गा का ही रखते हैं, अभी नवदुर्गा का रखते तो अभी फैशन शो सबके दिमाग में एक ही आता है कि वेस्टर्न कल्चर का होता है, गाउन पहनना होता है, वन पीस पहन, तो हमने वो नहीं रखा क्योंकि हमने हमारा जो कल्चर होता है इंडियन कल्चर जो होता है इंडियन जो भी सारे रिचुअल्स होते हैं वो सारों को हमने लेके चलना था, तो जो बाकी लोग थे अभी हमने जो ये चीज़ें करी थी सिर्फ मिसेज के लिए, अभी मिसेज के लिए ही क्यों, क्योंकि मिसेज जो होती है वो सारा कुछ हमारे चीज़ में हमारी लाइफ में बहुत कुछ करती है, और एक गर्ल बनने के बाद जो मिसेज बनती है वो अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें होती है, तो जो रूप उनका आता है तो वही हम उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो नारी होती है वो हर तरह से देवी होती है, जो नौ रूप होते हैं वो किस तरह से निभाती है वो दिखाना चाहते थे, तो हमने अभी इसमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएट किया था क्योंकि 21 साल से लेकर के 50-60 साल तक की हमारी महिलाएं हो जाती है, है ना, मेरा तो उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करी है, एक होती है 21 से लेकर 36, सेकेंड जो होगी हमारी उसको हमने नवनारी ग्रुप दिया पहले ग्रुप को, दूसरे ग्रुप जो है बाइपन भारी उसको हमने 36 टू 45 इयर्स दिया है, थर्ड जो था 45 इयर्स ओल्ड है ना उसको हम ओल्ड कन्या दिया है, तो इस तरह से सारी चीज़ों में हमने किया है, और इस तरह से सारी चीज़ों को हमने टैलेंट राउंड में भी हमने कुकिंग राउंड एक ऐड किया है, पेंटिंग राउंड ऐड किया है, योगा राउंड ऐड किया है, तो ये कभी कहीं पर होता नहीं, तो हम इसको यूनिक शो बनाया है काफ़ी अच्छा, हमारा यही प्रयास रहा है कि हम जो भी महिलाओं के लिए करना है हम यूनिटी बनाना है, क्योंकि हमारा एक क्लब बनने वाला है वुमेंस क्लब, तो उसमें हम लोग महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट हो गया, पिकनिक हो गया, किटी पार्टी हो गया, जो भी महिलाओं के लिए हमें करना है हम उस मेंबरशिप से करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमने ये जो शो है हमारा मिसेस नवदुर्गा ऑरेंज सिटी ये हम इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारे लिए हमको महिलाओं के लिए कुछ करना है बेहतर, जिससे हम हमारे जो भी सोसाइटी है उसको हम एक अच्छा मैसेज दे पाए और हमारे महिलाओं की नारी शक्ति को आगे बढ़ा के रख सकें। ये जो हम ब्यूटी पेजेंट के बारे में सोचा था ये लगभग आज से एक महीने पहले की बात है, एक महीने पहले बाद हम लोग मैं और मेरे भैया और हमारी जो कोर कमेटी है ना, जैसे कोर कमेटी में मैं हूँ, ऑर्गेनाइज़र हूँ, शुभम सर है जो हमारे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज़र है, हमारी जो डायरेक्टर मैम है प्रिया गुमगांवकर मैम वो है, हमारे नयन मैम है डॉक्टर नयन मैम है, उसके बाद हमारे को होस्ट हमारे अश्विनी मैम है, अश्विनी टामगिरी मैम, तो हम सब ऐसे बैठे थे तो हमारे दिमाग में आया कि यार कुछ तो करते हैं, तो ये हमने तब स्टार्ट किया था, तो ये जो शो था हमारा ये हमने 20 सितंबर को हमने इसकी कल्पना की थी और आज उसका एक महीने बाद आज फिलहाल है 29th of October आज की तारीख है, तो आज हमने फिनाले किया है, इसमें हमने तीन कैटेगरीज को डिवाइड किया है, रिप्रेजेंट किया है, पहली कैटेगरी जो आती है हमारी वो आती है हमारी नवनारी, इसमें जो एज ग्रुप दिया है हमने 21 से लेकर 36 दिया है, सेकेंड जो ग्रुप आता है हमारा वो आता है हमारा बाइपन भारी, उसमें हमने 36 से 45 इयर्स के जो भी महिला है उसके अंदर आते हैं, और तीसरा जो है ओल्ड कन्या जो हमारे 45 इयर्स के जो ऊपर के जो महिला है उनको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। ये आइडिया ऐसे आया कि हम लोग हर जगह देखते हैं कि सिर्फ यंगस्टर हमारे इसमें जाते हैं, सिर्फ हमारे जो भी नए नए जो मैं 20s हो गया यार 35 तक की जो भी महिलाएँ होती वही सामने आती है, पर जो भी महिलाएँ हैं
वो पहले से उनको कुछ ना कुछ करना होता है ना, क्योंकि हमारी जो माताएं होती है वो हमारी माता हमें पुश करती है हमारे बेटियों को कि आप आगे जाओ आप आगे जाओ, पर कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि यार मैं अगर होती, मुझे कोई पुश करने वाला होता तो मैं भी आगे जाती। तो हमने उस कैटेगरी को भी इन्वॉल्व किया है, उनको भी रिप्रेजेंट किया है कि यार आपको अभी हम चांस दे रहे हैं कि आप आइए और अपना टैलेंट हम प्रेजेंट करिए। हमने देखा कि हम हर बार कहते हैं कि नारी एक होती है, उसके कई रूप होते हैं, जैसे माँ, बहन, एक बीवी होती है, दादी होती है, नानी होती है, मतलब कई वो जो है कई कैरेक्टर वो प्ले करती है, और उसी का जो है इस ब्यूटी पेजेंट में इस मंच पे हमें जो है वो कैरेक्टर सभी दिखाई दिए है, जिसमें कि ओल्ड कन्या ग्रुप हो गया है, या फिर नवनारी हो गई, या फिर बाईपन भारी देवा। और हमने देखा कि इस तरह से ये जो ब्यूटी पेजेंट था ये प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पे सच में नारी के कई रूप दिखाई दिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News, Nagpur।